गुड मॉर्निंग, आज डे 4 है एंड आज पूरा मास्क वर्क से ढकना पड़ रहा है क्योंकि गला एकदम अजीब हो गया था। हल्दी वाले दिन से शुरुआत की थी आज के दिन की, साथ ही सब ठीक हो गया तबीयत। रात को 3 दवाएं खानी पड़ी थी तब जाके आज मैं इतनी अच्छी कंडीशन में फील कर रही हूँ। एंड अभी हम निकल रहे हैं चांदनी चौक के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप नेवर बीन बिफोर, मैंने सिर्फ वीडियोज में देखा कि हाँ इतना अच्छा एथनिक कलेक्शन होता है, वेडिंग कलेक्शन होता है। मेरे राइट पे रेड फोर्ट है, पहुंच गए हैं चांदनी चौक एंड गेट एंटर करने के बाद द एंटायर वाइब इज सो डिफरेंट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन चांदनी चौक से बहुत अलग थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जयपुर के बापू बाजार जैसा होगा, वेयर देयर विल बी लाइक स्मॉलर शॉप्स बट फॉर ब्यूटीफुल लहंगास एंड साड़ीज। हाउएवर यहाँ पे एसी शोरूम्स थे प्रॉपर से, जहाँ पे क्यू थी टू गेट इन छाबरा 555 में तो मुझे जाने ही नहीं मिला। बट द गुड थिंग्स हियर वर जूतीज, ओनली 550 फॉर लाइक ब्यूटीफुल बीडेड जूतीज। लाइक आई वुड हैव बॉट अ लॉट मोर बट यू हैव सीन द महाबलेश्वर वीडियो ऑलरेडी, काफी है हमारे पास। एंड बैग्स के प्लेसेस वर नाइस, छोटे छोटे स्टोर्स, कलीरास एंड बैंगल्स। If you're gonna get married, then you may find good ones. पर अगर एकदम यूनिक वाले पीसेस चाहिए ना, then it was difficult to find. बहुत ही सेम सा कलेक्शन था in a lot of stores. बस ऊपर से देखते वक्त ना थोड़ा गॉडी सा लग रहा था वर्क। एंड बहुत सारे कॉपीज थे पापा डोंट प्रीच के, तो ऑलमोस्ट एवरी स्टोर हैड लाइक अ कपल ऑफ लहंगास फ्रॉम देम एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार इट्स जस्ट सुपर अनएथिकल। बट इफ यू ब्राइड टू बी और अगर घर में शादी है तो यहाँ पे आप बैग्स के लिए 100% आ सकते हो। ऑल दीज पोटलीज ना वर्क वाले ऑनलाइन दे वर फॉर लाइक 2-3 thousand एंड हियर दे वर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1200-1300। फिर साड़ीज में देखने डेफिनेटली बैठी थी एक शोरूम में एंड दे वर गुड वंस, बट फॉर 3000-5000 मतलब अफोर्डेबल एथनिक वेयर जो सोच के मैं आई थी, बट वॉजंट ऑल एट अफोर्डेबल फ्रॉम द स्टोर्स दैट आई विजिटेड। बट जाने के पहले फाइनली आई फाउंड दिस पर्टिकुलर बैग शॉप, ये पराठे वाली गली के अंदर है, जस्ट बिफोर यू टेक द लेफ्ट टू एंटर द पराठा स्टोर्स उसके ही कॉर्नर पे है ये पर्टिकुलर शॉप। चांदनी चौक आओगे तो ये स्टोर आपको जरूर विजिट करनी है। इफ यू आर गेटिंग एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच मेड, देन यहाँ पे बहुत अच्छे बॉर्डर्स एंड लटकन्स एंड पैचवर्क्स भी मिलते हैं, सो यू कैन कन्वर्ट एनी नॉर्मल डेनिम जैकेट और एनी अदर क्लोथिंग पीस टू अ बोहो पीस बाय अटैचिंग दीज। मतलब ट्रेंड से तो डेफिनेटली ऑन पॉइंट थी ये जगह। बहुत कुछ कुछ स्टोर्स जिनके लहंगे मुझे अच्छे लगे थे वो नॉट अलाउइंग टू टेक अ वीडियो, आई मैनेज टू गेट थोड़ा बहुत फॉर यू। लेकिन डेकोरेशंस, ओ माय गॉड दे वर सो गुड ओवर हियर। जैसे ये हल्दी लिखा हुआ फ्लोरल डेकोरेशन एंड वेडिंग फेवर्स के लिए यू गेट नाइस लुकिंग बैग्स, लाइक वो ऑरेंज पटोला बैग वाज जस्ट फॉर 75 rupees। आई नो एंड मेनली ना मैं चांदनी चौक आई थी पराठे वाली गली के लिए क्योंकि मुझे ट्राई करने ही थे। आई एम अ बिग फूडी एंड मुझे लोकल फूड खाना बहुत अच्छा लगता है, तो घूम के ना हम थोड़ा सा थक गए थे इसलिए हमें बैठ के खाना था एंड बाबू राम पराठे वाले के हमें बैठने की जगह मिली। तो आई डिड नॉट नो अंटिल वी रीच्ड कि ये पराठे डीप फ्राइड होते हैं एंड मैं ये प्रोसेस पूरा देख रही थी, आपके लिए भी कैप्चर किया सो ताकि आप हर मोमेंट में साथ में रहो। पराठे वाली गली और मैंने इतने वीडियोस देखे यहाँ पे कि आई दिस वाज अ वन फूड प्लेस जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हमने मटर टमाटर हाँ और चिली चीज़ पराठा ऑर्डर किया, सो आई कांट वेट टू सी योर कैसा है, क्या मेन्यू है, इतने ऑप्शन हम नेवर सीन इन माय लाइफ। करेले का पराठा, लेमन पराठा, अगर खांसी होती ना तो मैं लस्सी भी पीती, आई लव लस्सी, बट जिंदा रहना है। और दो पहले तो दिस ह्यूज प्लेट वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस जिसमें 3 अलग टाइप की सब्जियां थी एंड आई वाज लाइक वाओ, और मैं तो फुल शॉक में कि ओ माय गॉड हमारे पराठे आ गए हैं। ये तो क्लियरली पता चल रहा है मटर है, ये मैं शॉर्ट कोई टमाटर है, कोई चिली चीज है, ये है टमाटर और ये है चिली चीज। फ्राइड पराठा पहली बार खाया, मैंने कभी खाया था। ये हैव पराठे अच्छा टेस्ट आ रहा है पहले का। नॉर्मली हम जब पराठे खाते हैं जो हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे
उसमें जो फिलिंग इज ऑलवेज क्रस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसमें अच्छे टमाटर डाले, लाइक अच्छे टमाटर है, इस वजह से टेस्ट बहुत अच्छा है। आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर चिली चीज। बनाना वाला पराठा, डोंट कम बैक विदाउट हैविंग द बनाना वाला पराठा बिकॉज इट वॉज सो यमी। बहुत गर्म है यार। Try to go to the most viral store of Chandni Chowk, which is Chhabra 555, and वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था where I looked for it, and when I was looking for it, some agent caught hold of us कि क्या आप कोई specific दुकान ढूंढ रहे हो? I was like हाँ, and then when he took us inside, फिर हमें उधर बोला कि minimum 15 to 30 minutes का waiting है, and I'm like यार आप हमें specially लेके आते हो and then there's waiting, तो we didn't wait because हमें specifically कुछ लेना नहीं था। हम घूम गए, मेरी फट रही है। Accept us. I don't like this. हम थे श्रीराम मार्केट और हम जाना चाहते चांदनी चौक वापस। ए भाई, ये स्टेप्स है कि क्या? आगे हार कर दी। Yeah, I know it's short, but it's so secluded, यार। बस वंस यू आर आउट थोड़ी सी ज्वेलरी एक्सप्लोर करी एंड देन वी सैट इन अ रिक्शा टू लीव चांदनी चौक टू गो टू माय फेवरेट स्ट्रीट शॉपिंग प्लेस इन द होल वर्ल्ड। रफली आधा घंटा लगा था हमें इन अ रिक्शा एंड वी आर ट्रैवलिंग मेजरली बाय रिक्शा ओनली पूरा टाइम। तो अभी हम चल रहे हैं द हाईलाइट ऑफ दिल्ली शॉपिंग। दिल्ली की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कितने सुंदर पेंटिंग्स होते हैं ऑन द वे, इट इज फन टू एक्सप्लोर। एंड जैसे हम सरोजिनी नगर मार्केट पहुंचे, जो शॉक लगा है हमें बिकॉज लुक क्या रश है टू एंटर। लाइक एंटर करने के बाद थोड़ा टाइम लगा टू सेटल आउट, बट देन आई वॉज लुकिंग एट यूनिक शॉप्स जहाँ पे आई कुड सी हट के पीसेस। मेरा एटीएम। दिस इज स्टॉल नंबर 21 ऑपोजिट अल्मिना कैंटीन। हम गए थे अराउंड 4 PM इन द इवनिंग और तब भी काफी रश था, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ओनली इफ यू हैव द स्ट्रेंथ टू गो, बट आई सॉ सो मेनी यूनिक स्टोर्स जैसे दिस वन व्हिच हैज सो मेनी सीक्वेंट पीसेस एंड द 100 rupee स्टॉल्स हैड अमेजिंग स्वेटर्स। फिर ये पैटर्न वाले जैकेट व्हिच हैड अ फर कॉलर, दे वर फॉर 2000, इसलिए मैंने तभी ऑन द स्पॉट लिया नहीं। बट दिस थिक स्कार्फ्स आई बॉट वन फ्रॉम एक्सेसराइज फॉर 3,500 रिसेंटली। यहाँ पे 150 के सिंदर वाले मिल रहे थे एंड द फेमस न्यू येलो सरोजनी मार्केट वॉल। यू कैन सी मम्मा बीइंग विजिबली पिस्ड एट मी हियर क्योंकि मैं बार बार रुक जाती हूँ कोई रैंडम स्टॉल पे एंड फिर मम्मा आगे चले जाती है, फिर हम खो जाते हैं। बट द येलो वॉल स्ट्रीट हैज ब्यूटिफुल कोट्स। सरोजनी नगर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे सीजन चेंज होती है यहाँ का कलेक्शन भी पूरा ही चेंज हो जाता है। विंटर के अकॉर्डिंग वुलन स्कर्ट्स भी बहुत सारे थे। इफ यू आर ऑन द लुकआउट फॉर अफोर्डेबल जंक ज्वेलरी देन दिस इज द प्लेस। यहाँ पे सिर्फ 30 rupees से स्टार्ट होते हैं झुमके एंड बिग इयर रिंग्स, बट इफ यू वॉन्ट यूनिक पीसेज देन जनपथ इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। एंड फ्रॉम द 100 rupees स्टॉल आई बॉट 2 white shirts। मतलब आई एम नॉट हैविंग क्योंकि मैं अभी भी खा रही हूँ, बट एवरीबॉडी एल्स हैविंग एंड आई विश आई कुड, बट इट्स ओके। शॉपिंग बहुत अच्छी जा रही है, खाली अभी थोड़ा भूख लगा है, सोचिए क्या सारा लग रही है। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 hour हम कर लेंगे सारा। आई एम वेरी हैप्पी, ट्रिप इज गोइंग वेरी वेल। कूलर पक्का लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एंड दिस इज ओरियो सॉफ्टी, आई थिंक इट्स गोना टेस्ट लाइक मैकफ्लरी। मैं जस्ट टेस्ट कर रही हूं, ओके जस्ट टेस्टिंग। Wow.
वन मस्ट विजिट प्लेस इज किम्स स्टोर इन सरोजनी नगर. यहाँ पे सेल थी एंड ट्रस्ट मी द कलेक्शन वॉज टू गुड फॉर द सेल. बाय 3 for 1500, मतलब एक हील से 500 में मिल रही थी एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ देम. इनके और छोटे स्टॉल्स भी है ऑल ओवर सरोजनी, सो कीप एन आई आउट फॉर दैट रेड ऑफर वाला बोर्ड. हाँ, फिर ये गनी बैग लेके हमने बाकी का सरोजनी नगर एक्सप्लोर किया है, होगा कम से कम 4-5 किलो का. तो यार स्टेटमेंट वेस्टर्न इयररिंग्स भी बहुत अच्छे वाले थे एंड आई एम रिग्रेटिंग कि तभी क्यों मुझे इतने अच्छे नहीं लगे. आई डिडंट बाय मेनी ऑफ दीज वेस्टर्न वंस यार. बट मेक श्योर टू विजिट एज मेनी स्टॉल्स एज पॉसिबल बिकॉज इसे एक दो यूनिक पीसेस सबके पास रहते हैं. इफ यू बाइंग जीन्स, स्ट्रेच करके देखना उसमें क्वालिटी कैसी है एंड इफ यू आर लकी यू मे फाइंड गुड ब्रांड्स लाइक अमेरिकन ईगल, स्ट्रैडिवेरियस या बर्श्का. काफी सारे एक्सपोर्ट जैक्स आते हैं यहाँ पर. डेनिम स्कर्ट्स एंड जैकेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ ह्यूज वेराइटी एंड दिस पर्टिकुलर स्टोर हैड the absolute best skirts. I'm gonna make a shorts and show you the try on of all these skirts that I bought from here. लेकिन मेरा बस चलता मैं और 5-6 ले लेती because these were too good in quality. Most of them पे अभी भी tag लगा हुआ था of the brands that were from. Nasty Gal के था, Mango के थे, Boohoo के थे and they were under 300 rupees यार. Lastly I bought some dainty earrings to go with a bunch of my outfits that I was making for the challenges. ये 30 rupees से 50 rupees की range में होते हैं and a छोटू सा clock clip for 20 rupees. अभी मेरे को सर्दी रनिंग शूज भी हो गया है, खांसी भी चढ़ गई है. बट द ग्रेट पार्ट इज आई हैव सोया मिल्क विद मी और हल्दी विद मी, तो सोने के बल में हल्दी वाला दूध पी लूंगी. मेरे बाल की हालत देखो, लाइक इफ आई पुट माई फिंगर हियर इधर से पास से होंगे, लेट अलोन दिस. तो ये रिक्शा में बैठ बैठ के और पॉल्यूशन से ना पूरे ड्राई हो गए. ये साइड अभी आधा घंटा लगा है मुझे ये साइड को कोप करने में, फिर भी फुल ड्राई है. तो अभी मैं वो किए जा रही हूँ. खाना आ गया है, हम बहुत भूखे हैं. आइस टी इज बीइंग सर्व्ड. बॉम्बे टाइम्स, यस बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स. ओ मुझे सीरियसली हिट नहीं हुआ कि सिटी अलग है. सांता क्लॉस वाला गिफ्ट रैपिंग पेपर ये है, फ्लैटर ये है, घी का पापड़. ओ क्या, पता नहीं देखो वेट कितना कम था उसका. ये है राजमा चावल, एक है चिली गार्लिक चूर चूर दाल और एक है यार दिल्ली का पंजाबी खाना इज रियली रियली गुड. राजमा चावल, वाव. पर आज का खाना फीका है. आज हमने जैन चावल वाले से ऑर्डर किया यार, योर रिकमेंडेशंस वर सो हेल्पफुल. वो एक स्टोरी के बेसिस पे मेरी पूरी ट्रिप निकल गई, उसी में से आई वाज गोइंग बैक कि आज का खाना. तो जैन चावल वाले मल्टीपल पीपल आर सजेस्टेड एंड now I know why. We just experienced an earthquake and मेरी लाइफ का ये फर्स्ट hopefully लास्ट earthquake एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं जग रही हूँ. इट इज अराउंड 2 AM एग्जैक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं. एंड मम्मा एंड देशना वर अस्लीप. पहली बार जब मैं बेड मूव आई वॉज लाइक छोड़ ब्रह्म होगा. सेकेंड टाइम इट मूव्ड हार्ड एंड आई वॉज लाइक देर इज नो वे आई एम मेकिंग दिस अप क्योंकि मैं नींद में नहीं हूँ. तो आई वोक देम अप. एंड मम्मा भी कह रही है कि मेरा बेड हिला, पर लाइक नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है. तो आज इस और की सेफ्टी के लिए मैं ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ न्यूज़ में एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ देयर वाज एन अर्थक्वेक. वाज, आई मीन इट्स ओवर एज ऑफ नाउ, लेकिन शिट इट वाज क्रेजी. माय बेड इज नॉट इवन ऑन व्हील्स. मम्मा का जो बेड है विच वॉज द एक्स्ट्रा बेड पर्सन, आई वॉज ऑन व्हील्स. तो देयर इज नो वे इतना सॉलिड बेड कैन मूव सो हार्ड. We're on the 18th floor. यहाँ तक फील हुआ. I wonder what नीचे वाले फ्लोर्स को फील हुआ होगा. Because Haley feels this. It's an earthquake. I felt it twice. First time I thought नहीं कुछ नहीं है. Second time मैंने shook a lot. I woke the two of them up. दोनों ने मेरा विश्वास दे दिया. फिर ट्विटर की बात है उस दिन. I'm planning of evacuation idea. In the next and the last vlog of the series, हम जाते हैं बंजारा मार्केट. We just sold out of flight and still हमें तीनों चिल्लाए रहे everybody से. Are they mad? 8:40 की फ्लाइट, हम 11 बजे निकलने वाले और हम खुश हो रहे हैं.
11 बजे विक्ट्री ब्रो।